नमस्कार, आप देख रहे हैं सीटीवी 24 न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ सना हुसैन। अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 65वें परिनिर्माण दिवस पर किया माल्यार्पण। आइए देखते हैं बिहार प्रभारी आफताब रोशन की खास रिपोर्ट। बेतिया में आज दिनांक 6/12/2021 को बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का 65वां परिनिर्माण दिवस पर SC/ST कर्मचारी संघ पश्चिमी चंपारण के तत्वाधान में समाहरणालय बेतिया स्थित प्रतिमा स्थल पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला पदाधिकारी कुनत कुमार बेतिया, पुलिस अधीक्षक तथा NK SAH ADM अनुमंडल पदाधिकारी डॉक्टर विनोद कुमार एवं अन्य के माल्यार्पण किया। वहीं कर्मचारी संघ के अध्यक्ष अनिल कुमार SDM बेतिया ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि आज संविधान और आरक्षण खतरे में है। बाबा साहेब के सपनों को साकार करने और नए भारत के निर्माण करने के लिए संगठन एवं संघर्ष की आवश्यकता है। संघीय एकता के लिए कर्मचारी संघ का सदस्य बनने का आह्वान किया। जयप्रकाश जिला सचिव में बताया कि आज हमें राजनीतिक अधिकार प्राप्त है, वही सामाजिक आर्थिक विषमता के डंक से छटपटा रही मानवता शर्मसार हो रही है। सुशिक्षा के अभाव में मानसिक धार्मिक गुलामी हमें पंगु बना दिया है। आज अंबेडकरवाद ही हमारा सहारा है, वरना आज़ादी एक कोरी कल्पना रह जाएगी। सामाजिक विषमता मिटाने की पुरजोर वकालत करते हुए बाबा के आदर्शों को स्थापित करने हेतु जनक्रांति का ऐलान किया। इस अवसर पर RK बैठा, उदय भानु, अनिरुद्ध राम, सुभाष रविदास, अशोक राम, सुरेंद्र राम, विजय कश्यप, रसेज राम, दिनेश शर्मा, हरिलाल शर्मा, दीपक के राम, रामचंद्र राम आदि ने अपना अपना विचार व्यक्त किया। आइए बात करते हैं अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ के जिला इकाई पश्चिमी चंपारण के सचिव जयप्रकाश प्रकाश जी से। जयप्रकाश जी ने समाज में बहुत सारे नेक कार्य किए हैं, महिलाओं के मान सम्मान से संबंधित और शराबबंदी से संबंधित भी इन्होंने बिहार सरकार के हाथ को मजबूत करने का भी काम किया, साथ ही जिला प्रशासन के हाथों को भी मजबूत करने का काम किया है। तो आइए बात करते हैं CCTV 24 न्यूज चैनल की तरफ से जयप्रकाश जी से। आप बताना चाहेंगे बाबा भीमराव अम्बेडकर की परिनिर्माण दिवस पर आपके द्वारा क्या क्या कार्यक्रम को आयोजित की गई, इससे संबंधित आप क्या बताना चाहते हैं जयप्रकाश जी? बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे तो हम लोग अम्बेडकर मिशन को चलाने का काम बहुत दिनों से कर रहे हैं। हम सामाजिक विषमता को मिटाने, बाबा के आदर्शों पर चलने के लिए साहित्यिक रूप से एक नशा मुक्त समाज बनाने और समतामूलक समाज बनाने का सदैव प्रयास किया है। मैं साहित्यिक विचारों से कफन विकल शराब में नामक एक पुस्तिका, जो नाटक पुस्तिका है, को लिख करके और उसका मंचन भी करवाया 2005 से आज तक कि किस तरह से ये नशा मुक्त समाज बनाया जाए। साथ ही मैं साहित्यिक मंचों पर किताबों को लिख करके बाबा साहेब के आदर्शों को प्रतिस्थापित करने का काम 2005 से कर रहे हैं। आज बाबा साहेब का 65वां परिनिर्वाण दिवस है, पूरे देश में उनके प्रति श्रद्धासुमन अर्पित किए जा रहे हैं। आज बाबा हैं तो हम लोग आज ये बाइक और हर चीज़ एक आगे बढ़ करके बोलने का अवसर भी मिल रहा है। अगर विगत सालों में देखा जाए और आज भी संविधान और आरक्षण खतरे में है, सामाजिक विषमता है, सामाजिक विषमता के दंश से भारतीय मानवता छटपटा रही है, कराह रही है, और उस कराह की आवाज़ को हम खत्म करना चाहते हैं और समतामूलक समाज बनाने के लिए आज हम सभी लोगों ने समाहरणालय पश्चिम चंपारण स्थित बाबा साहेब की प्रतिमा के पास संकल्प लेते हुए, अभी सामाजिक विषमता और आर्थिक विषमता बरकरार है तो इसके लिए हम जन क्रांति का ऐलान करते हैं। जब तक समानता स्थापित नहीं होगी हमारा आंदोलन चलता रहेगा। आपका आंदोलन किस तक प्रकार चलेगा और कहां से शुरुआत होगी? आंदोलन साहित्यिक और सामाजिक आंदोलन है। हम संविधान के दायरे में रह के सामाजिक एकता और संगठन के साथ संघर्ष करते रहेंगे जब तक हमारे समाज के ऊपर जुल्म होता रहेगा। क्या आपको लगता है कि आपकी ये आंदोलन से ये समाज में सुधार आएगी? एकदम। पूरे बिहार गांव-गांव और हर जिले में हम लोगों का कर्मचारी संघ के लोग इस के विरुद्ध आवाज उठा रहे हैं, संगठित हो रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं। एक न एक दिन हम होंगे कामयाब। आप होंगे कामयाब, इसके तहत आपने कितने कार्यक्रम अभी तक हमने करीब 150 कार्यक्रम किया, दर्जनों पुस्तकें लिखी, दर्जनों नाटक मंचित कराए गए और सामाजिक चेतना और धार्मिक चेतना के माध्यम से बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के आदर्शों को समाज में फलीभूत और प्रतिस्थापित करने का हम लोगों ने काम किया है। आपने कई जितने भी पुस्तक हैं, क्या आप समाज को, ये जनता को नाम बताना चाहेंगे?
अब तक हमने धम्म चेतना के स्वर, सामाजिक चेतना के स्वर, कफन विकल शराब में, ज्योति पुंज प्रकाश, माया प्रकाश, है ना, और तमाम किताबों की मैंने रचना की, जिसमें बाबा साहेब के जीवन और भारतीय आदर्श महापुरुषों के जीवनी को मैंने उसमें संकलित किया और गांव-गांव में और इसको हम लोगों ने बांटा, लोगों में वितरित किया। आपके द्वारा समाज सेवा के क्षेत्र में क्या क्या कार्य किया जा चुका है? समाज सेवा के क्षेत्र में मैंने बौद्ध विहार बनवाया, बौद्ध विहार में गरीब बच्चों के पढ़ने के लिए व्यवस्था की गई, गरीब बच्चियों की शादी की बात की से वहाँ भी किया जाता है, उन लोगों को सामूहिक शादी कराई जाती है, साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को किताब कलम दवाएं आदि वितरित की जाती है। ये सारी चीज़ हम लोग जन सहयोग और अपने माता जी सब काम को उन्होंने किया है। शराबबंदी के तहत आपने कौन कौन सा सरकार की योजना को बारे में बताएंगे कुछ शराबबंदी के संबंधित? जो है बिल्कुल खराब चीज़ है, ये पंचशील में भी कहा गया है कि सुरा मेरे मज्जा पमा दठाणा भेरमणि शिक्षा पदम समाध्यामी, अर्थात किसी प्रकार के कच्चा पक्का नशीला शराब गुटकी अफीम सारे चुरस का हमें सेवन नहीं करना चाहिए, ये हमें तन मन और धन को बर्बाद करता है। और इस पंचशील के पांचवें शील के अनुसार मैंने नाटक भी लिखा, निबंध भी लिखा, इसका मंचन भी कराया और जगह जगह हम लोगों ने गोष्ठी करके लोगों को जागृत किया कि यह बुरी बला है, इसे हमें दूर रहना चाहिए। आप फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के जिला के आप अध्यक्ष हैं, आप ये बताना चाहेंगे जो रतनमाला बगहाँ के सर्किल इंस्पेक्टर जयप्रकाश प्रकाश जी जो हैं चंपारण के एक होनहार समाजसेवी और साहित्यकार भी हैं जो लगातार बाबा भीमराव अम्बेडकर के प्रति समर्पित हैं, तन मन धन से समर्पित हैं, लगातार पूरे बिहार में हर एक जगह बाबा साहब के संदेश पहुँचाने का काम करते हैं, वो एक चंपारण के होनहार समाजसेवी हैं और साथ ही अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ के वो जिला का सचिव भी हैं जयप्रकाश प्रकाश जी, उनके विशेषताओं के बारे में क्या बताना चाहेंगे विजय राव जी? माननीय श्री जयप्रकाश जी बहुत ही अच्छे और इसे अनुसूचित जनजाति जनजाति के समाज को हलक जलाने का काम जो इन्होंने बीड़ा उठाया है शुरू से आज 10 वर्षों से लगातार मैं इस चंपारण में देख रहा हूँ। ये चंपारण के लोगों के लिए गौरव की बात है, ये हम लोग एक दलित समाज का एक होनहार समाज सेवी और अंबेडकर जी के मार्गदर्शन पर चलने वाले जयप्रकाश राम जी लगातार सेवा भाव से, निस्वार्थ भाव से इसे कार्यक्रम को लगातार अम्बेडकर जी के कार्यक्रम चाहे जन्मतिथि हो चाहे पुण्यतिथि हो लगातार करते आ रहे हैं और हम लोगों का भी जो भी कार्यक्रम होता हो हर कार्यक्रम में अम्बेडकर जी के कार्यक्रम में शरीक रहते हैं और बढ़ चढ़ का हिस्सा लेते हैं। इनके जैसे व्यक्तित्व को और इनके जैसे उदारवादी समाज सेवी को आगे और आगे जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी, आपने ऐसे समाजसेवी बेटा को आपने ऐसे संबोधित किया।